ये बड़ा हिट खेल दिया है। और ये 6 रन अभिषेक शर्मा के, बढ़िया हिट, काफ़ी बढ़िया हिट राशिद खान को लगा दिया है, छक्का लगा दिया यहाँ अभिषेक शर्मा ने। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा, जो कि 5 बॉल में 12 पर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए 10 बॉल में 17 रन बनाकर खेलते हुए ट्रेविस हेड, और स्कोर पहुंच चुका है 48। 5.2 ओवर का खेल हुआ है और 48 स्कोर हो चुका है। 4 गेंदें बची हैं इस पावर प्ले की। एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते आगे बढ़कर, और एक और छक्का यहाँ। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए हैं अभिषेक शर्मा ने राशिद खान को। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए राशिद खान के 2 छक्के जड़ दिए यहाँ। करिश्माई बॉलर राशिद खान को इस तरह मारना अभिषेक शर्मा जैसे यंग प्लेयर के लिए काफ़ी बढ़िया दिखते हुए अभिषेक शर्मा 2 छक्के 2 बॉलों पर। राशिद खान जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर पहुंचे थे, पहली बॉल पर ट्रेविस हेड ने सिंगल लिया, और उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए। तो स्कोर पहुँच चुका है 54 एक विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर का खेल हुआ है और 3 गेंद बाकी हैं पावर प्ले की। राशिद खान के अगली बॉल अभिषेक शर्मा के लिए, और ये बढ़िया गेंद, 1 ही रन मिलेगा शायद। और अब बची हैं 2 गेंदें पावर प्ले की। देखना होगा 2 गेंदों में कितने रन और बना पाते हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड अब सामने होंगे राशिद खान के। काफ़ी बढ़िया ये मैच चलता हुआ, पावर प्ले का खेल चलता हुआ, एक विकेट खोया है हैदराबाद ने। और ट्रेविस हेड अभी भी बैटिंग करते हुए 11 बॉल में 17 रन बनाकर। अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के जड़ दिए राशिद खान को, और आखिरी गेंद बची है पावर प्ले की राशिद खान। देखना होगा इस बॉल पर क्या होता है। 55 रन बने हैं और ये 1 रन 56 पर पहुंचा है हैदराबाद का स्कोर 6 ओवर में। 6 ओवर की समाप्ति और 56 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले काफ़ी बढ़िया दोनों ही टीम के लिए। गुजरात टाइटंस ने ज़्यादा रन लीक नहीं किए, और वहीं हैदराबाद ने 56 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है, 6 ओवर 56 रन एक विकेट। काफ़ी बढ़िया पावर प्ले ये हैदराबाद के नज़रिए से, जो कि 56 रन जोड़ लिए। राशिद खान का आखिरी ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। अभिषेक शर्मा ने जड़े 2 छक्के, काफ़ी बढ़िया हिट अभिषेक शर्मा से। और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी अब क्रीज पर। 6 ओवर का खेल हो चुका है और 56 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। तो देखना होगा कितना स्कोर बनाई हैदराबाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर सारा दारोमदार। 6 ओवर 56 रन एक विकेट। मयंक अग्रवाल जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, पर उमर राय ने उन्हें शॉर्ट बॉल पर कैच आउट करवा दिया बाउंड्री लाइन पर। एक लोटा झटका जो कि पावर प्ले में लगा है हैदराबाद को मयंक अग्रवाल के रूप में। तो कितना स्कोर बनेगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या लगता है आपको, क्या 200+ बनेगा आज भी हैदराबाद की टीम, जो कि काफ़ी फायर पावर उनके पास मौजूद है। आशीष नेहरा ग्राउंड पर दिखते हुए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में, और कप्तान शुभमन गिल और प्लेयर्स के साथ बातचीत करते हुए, और वहीं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी हैदराबाद के लिए क्रीज पर मौजूद है। तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर की उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी क्रिकेट प्रेमी। हैदराबाद ने पिछले मैच में 277 रन जड़े थे, क्या आज भी कुछ ऐसा कारनामा कर सकते हैं। देखना होगा, अभिषेक शर्मा काफ़ी बढ़िया फॉर्म में दिखते हुए, और ट्रेविस हेड बहुत ही तेज तरार बल्लेबाज। तो ये मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता हुआ, 6 ओवर का खेल हुआ और 56 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। एक विकेट जो कि मयंक अग्रवाल के रूप में गिरा है। काफ़ी बढ़िया ये मैच चलता हुआ, अब 7वां ओवर आएगा। 6 ओवर का खेल हुआ, ये पावर प्ले किसके फेवर में गया देखना होगा। 6 ओवर में 56 रन बने और एक विकेट। हैदराबाद के लिए बढ़िया पावर प्ले, बढ़िया स्टार्ट हो चुका है। एक विकेट को हुआ और 56 रन बने हैं 6 ओवर में। बचे हैं 14 ओवर, यहाँ 200+ करने को देखेंगे हैदराबाद की ये टीम। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मैच चलता हुआ, मैच नंबर 13 IPL। और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ख़त्म होता हुआ समय, 7 बॉल में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, और 12 बॉल में 18 पर खेलते हुए ट्रेविस हेड। काफ़ी बढ़िया पार्टनरशिप चलती हुई दोनों के बीच। और उमर राय ने एक विकेट झटका है हैदराबाद के लिए, 3 ओवर में 24 रन दिए हैं और एक विकेट झटका है। 6 ओवर 56 रन एक विकेट।
काफ़ी बढ़िया तरीके से मैच चलता हुआ, गुजरात टाइटंस वर्सेस हैदराबाद। तो मिलते हैं।